हेलो बच्चों, अपन पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 4 और उसका भाग एक में हमने पॉलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होता है ये सब कुछ डेफिनेशंस देखी थी। परिमेय बीजीय फलन किसे कहते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या मतलब। अब यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास परिमेय बीजीय फलन है, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है, तो उसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे, तो क्या आंशिक भिन्न से क्या मतलब है। आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट तो हम बाद में करेंगे, पहले आंशिक भिन्न से मतलब क्या। तो देखिए देखिए, आप सब ये जानते हैं कि अगर दो संख्याओं को आपको जोड़ना हो, जैसे आपको जोड़ना है 1/2 + 1/3, तो आप क्या करते हो, आप एलसीएम ले लेते हो 6, फिर इसमें भाग लगाते हो, यहाँ 2 का 3 आया, उस 3 को इसे 1 से गुणा करते हो, प्लस इसमें भाग लगाते हो, तो 3 का इसमें भाग लगाया 2 आया, 2 को फिर इससे गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 5/6। ठीक है, तो भिन्नों को जोड़ना तो आप जानते हैं, दो भिन्न हैं तो उनको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे अगर ये भिन्न हमारी फलन के रूप में हो, ये एक परिमेय फलन है, ये भी एक परिमेय बीजीय फलन है, तो इन दो परिमेय बीजीय फलनों को हमें जोड़ना हो तो आप बड़े आराम से इन्हें जोड़ सकते हैं। आप एलसीएम लेंगे, x+1 x+2, इस एलसीएम में हम भाग लगाएंगे, x+1 का x+2 बच जाएगा, उसे 1 से गुणा कर देंगे, फिर इसमें भाग लगाएंगे x+2 का तो x+1 बच जाएगा, उसे इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो x+3 / x+1 × x+2 आ जाएगा। तो जैसे परिमेय संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, ऐसे परिमेय फलन जो होते हैं उनको भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमने इनको जोड़ लिया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर हमसे कोई यूँ कहे, हमको दे रखा तो हो ये, और हमको इसके ऐसे दो छोटे या सरल, इसके दो परिमेय फलनों में इसको बदलना हो, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो 1/(x+1) 1/(x+2) बराबर तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2x+3 = x+(x+1) x+2 बराबर किसके हो गया, 1/(x+1)। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने जोड़ा ये आया, इसका मतलब ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ ये जो 1/(x+1) और 1/(x+2) है, ये जो दोनों, ये भी क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है या परिमेय बीजीय फलन है, ये भी परिमेय बीजीय फलन है, ये भी परिमेय बीजीय फलन है। ठीक है, तो ये जो परिमेय बीजीय फलन है ना, ये इसके सिंपल परिमेय बीजीय फलन है इससे। ठीक है, तो सिंपलर में हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं, और 1 को 2 में या 3 में, तो छोटे छोटे इसके परिमेय बीजीय फलन बना देते हैं, और इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी आंशिक भिन्न है, इस पूरी भिन्न की को हम बदल दें ऐसी दो भिन्नों में, तो उसको, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये दोनों क्या कहलाती हैं, आंशिक भिन्न कहलाती हैं इसकी। तो 2x+3 / x+1 × x+2 की दो आंशिक भिन्न हैं, 1/(x+1) 1/(x+2)। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का प्रोसीजर तो हम जानते हैं, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने का प्रोसीजर हमको सीखना है, और उसी को हम कहते हैं आंशिक भिन्नों में ब्रेक करना, या आंशिक भिन्नों में बदलना, या आंशिक भिन्नों में रिजॉल्व करना। ठीक है, तो ये हमारे आंशिक भिन्न की डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं एक भिन्न को एक से अधिक आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर सकते हैं हम। ठीक है, और उस भिन्नों को ही हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आंशिक भिन्नों में बदलना, या आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना, या पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमारे पास है तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे बदलें। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब अभी प्रॉपर हमने बहुत अच्छे से पीछे डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में, तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि किसी भी फंक्शन को जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करें, आंशिक भिन्नों में जब आप तोड़ें किसी भी परिमेय बीजीय फलन को, तो सबसे पहला बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो फंक्शन है हमारा वो प्रॉपर
होना चाहिए। यानी कि क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रॉपर है या नहीं, यानी अंश की घात हर की घात से कम है या नहीं है। तो पहले ये प्रोसेस को हमको कर लेना है कि अंश की घात को छोटा कर लें, ठीक है। तो उसके लिए हमने पीछे देखा ही था कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर, ठीक है। प्रॉपर बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इसके जो नीचे वाला है हमारा हर, इसके हमको गुणनखंड करने होते हैं, इसके गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। और इसके गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते हैं, एक गुणनखंड के लिए एक कांस्टेंट यहाँ लगा देते हैं, लीनियर गुणनखंड। तो पहला तो जो हमारा वो है कि इसके हम जो हर है इसके लीनियर गुणनखंड कर सकें। दूसरा प्रोसीजर है कि लीनियर और रिपीटेड कर सकें। दो तरीके से सीख रहे हैं अभी अपन, दो तरीके हैं लीनियर के। और वो क्या है, जो भी हमारा परिमेय बीजीय फलन है अगर इसके हम दो अलग अलग डिफरेंट लीनियर गुणनखंड कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए अपॉन ए गुणनखंड प्लस बी अपॉन दूसरा गुणनखंड, हम इसको इस तरह से मान लेते हैं कि ये इसकी दो आंशिक भिन्न हैं। फिर हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू निकालने का तरीका हम देखेंगे, आसानी से निकल जाती है ए और बी की वैल्यू। तो ये पूरी बड़ी भिन्न जो है दो छोटी छोटी भिन्नों में बदल जाती है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, पार्शल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्नों में बदलना या तोड़ना, ठीक है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है उसके हम गुणनखंड कर रहे हैं, और ये लीनियर गुणनखंड से मतलब होता है एक डिग्री का गुणनखंड। तो देखिए ये दोनों हमारे कैसे हैं, एक डिग्री के गुणनखंड, लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है। अगर ये एक डिग्री के गुणनखंड रिपीटेड हो जाते हैं, जैसे x-1 दो बार आया और तीसरा जो गुणनखंड है वो x+1 है, तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए, रिपीटेड एक डिग्री के गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, दो कांस्टेंट लगाते हैं, a अपॉन x-1 बी अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, और इसके लिए c अपॉन x+1। तो जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री होती है उतने यहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के दो डिग्री का तो ये है, एक डिग्री का ये है, तीन कांस्टेंट आपके यहाँ आ जाएंगे। तो अगर ये दोनों गुणनखंड अलग अलग हों तो तीन अलग अलग कांस्टेंट इस तरह से लगते हैं, ऊपर हैं जैसे, यहाँ तीन होते हैं तो तीन लग जाते हैं आपके। और इसमें क्या है, अगर रिपीटेड हो जाए तो a अपॉन x-1 b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर c अपॉन x+1, ये हम मानते हैं सबसे पहले। तो फिर हम अपने मेथड से a b c की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये तीन इसके पार्शल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है क्या, ठीक। अगर हमारा देखिए, जैसे अगर हमारा ये हो x अपॉन x+1 x+2 और x+3, तो तीनों की तीनों हमारे अलग अलग हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो यही देखो, ये प्रॉपर है क्या, देखो ये प्रॉपर है क्योंकि नीचे की डिग्री तीन है ऊपर की दो है, ये भी प्रॉपर है क्योंकि इसमें ऊपर की डिग्री एक नीचे की दो है। फिर इसे देखिए, ये भी प्रॉपर है, पहले प्रॉपर नहीं है तो हमें इसे भाग की क्रिया करके प्रॉपर बनाना पड़ता है। तो ये हमारा इसमें कैसे कॉन्स्टेंट लगेंगे, ए अपॉन x+1 बी अपॉन x+2 और सी अपॉन x+3, ठीक है। तो ये वाला हम इस तरह से कांस्टेंट हम कब लगाते हैं, जब हमारा एक लीनियर गुणनखंड रिपीटेड होता हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन, 2x+3 अपॉन x+1 x+2 को आंशिक भिन्नों में बदली, इसको आंशिक भिन्नों में बदल रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो देखिए ये प्रॉपर है या नहीं, तो ये प्रॉपर है, ऊपर की डिग्री एक नीचे की दो है, और जो डिनोमिनेटर है उसके दो गुणनखंड यहाँ पे तो सवाल में किए हुए ही हैं, नहीं किए हुए हैं तो पहले इन गुणनखंडों को कीजिए। तो ये दोनों गुणनखंड हमने करने पड़ेंगे अगर यहाँ गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। अगर गुणनखंड दो लीनियर गुणनखंड हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, a बटा एक गुणनखंड प्लस b बटा दूसरा गुणनखंड, तो दोनों और हम हल कर लेंगे, ठीक है। हल कैसे करेंगे, एलसीएम इधर तो है ही है,
इधर भी एलसीएम ले लिया। जो एलसीएम लिया तो ए के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ से एलसीएम घट जाएगा तो इतना सा बच जाएगा 2x+3 ए इंटू एक्स प्लस 2 बी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको जो है ना ये एक आइडेंटिटी है हमारी, यहाँ से ही हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक सिंपल सा जो कंसेप्चुअल तरीका है वो तो ये है कि ये आइडेंटिटी है तो दोनों तरफ ये बराबर होनी चाहिए, यानी कि इधर एक्स का गुणांक इधर एक्स के गुणांक दोनों बराबर होनी चाहिए, अगर इधर कांस्टेंट इस कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो इधर एक्स का गुणांक ए प्लस बी है ये 2 के बराबर होना चाहिए, इधर कांस्टेंट 2 ए प्लस बी है ये 3 के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ। तो ये दो समीकरण हम यहाँ से बना लेते हैं, क्या समान घात के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो एक घात के गुणांक बराबर ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, 0 घात का गुणांक। इन दोनों को बराबर कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया और घटा दिया तो ए बी भी कट गया, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, बी की वैल्यू आ गई, तो ए और बी की वैल्यू बड़े आसानी से निकल जाती हैं। तो ये 2x+3 / x+1 x+2 किसके बराबर हो गया, ए की जगह हमने रख दिया 1, बी की जगह हमने रख दिया 1। अब आप इन दोनों को जोड़िए, यही आ रहा था, हमने पहले किया हुआ है। लेकिन एक इससे सिंपल मेथड और है, किसका, ये ए और बी निकालने, ए और बी निकालने का एक सिंपल मेथड और है कि जो ये हमारी इक्वेशन है 2x+3 / x (a+b) + 2a+b, इससे ऊपर ये जो इक्वेशन है 2x+3 / a (x+2) / b (x+1), इसमें क्या करूँ, इसमें हम एक दूसरा तरीका, ये शॉर्टकट मेथड है, ज़्यादातर हम इसे ही काम में लेते हैं, कि इस इक्वेशन में x को वैल्यू ऐसे दो कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो x और -2 रख दो। ठीक है, इस x को वैल्यू एक बार इस तरह से दो कि ये 0 हो जाए, तो अपने आप ए बी की वैल्यू सिंपल तरीके से निकल जाएगी। तो सबसे पहले मान लीजिए हम x बराबर -1 रखते हैं। ठीक है, यानी x बराबर -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ -1 देखो, x बराबर -1 रखा, ठीक है, तो ये b का ये 0 हो गया हमारा, x बराबर -1 रखते, और यहाँ जब x बराबर -1 रखा तो ये हमारा आ गया -1 + 2। इधर भी हमने x बराबर माइनस तो दोनों तरफ x बराबर -1 रख दिया तो b का गुणांक तो हो जाएगा 0। ठीक है, b का गुणांक हो जाएगा 0 और a की हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी बार आप इसमें कहिए x की वैल्यू ऐसे रखिए कि a का गुणांक 0 हो जाए, यानी कि x बराबर -2 रख दीजिए। तो x बराबर -2 जब इसमें आप रखोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर -2 रखा तो ये हमारा हो गया b की जगह, बी में भी हमने क्या किया है, x बराबर -2 रख दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो b बराबर 1 आ गया। तो वही a बराबर 1 b बराबर 1 आया, और यहाँ पर भी हमारा यही आ रहा है, a बराबर 1 b बराबर 1। ठीक है, तो जो ये हम हमारी मर्जी से अपने मन से x को कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है, हमारी सुविधा के अनुसार, और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि x बराबर -1 रखते ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा, a की वैल्यू आ जाएगी। x बराबर -2 रखते ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, आपको b की वैल्यू आ जाएगी। तो कोई भी अपनी चॉइस की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, जिससे कि हमको कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकें। तो ये एक और क्वेश्चन देखिए, x²/(x+1) (x-2) को आंशिक भिन्नों में व्यक्त कीजिए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आंशिक भिन्नों में तोड़ने से पहले ये देखिए ये प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखिए ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि डिग्री जो है हमारी कैसी है, बराबर। ठीक है, तो पहले हमें डिग्री को कम करना पड़ेगा, और डिग्री को कम करने के लिए क्या मतलब है कि आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो आप देखो, मैंने इसमें भाग लगाया, x² - x-2 का। ठीक है, तो ये रिमाइंडर बच गया x+2, ये हमारा डिवाइडर ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और एक बार भाग गया, तो ये आपको कर लेना है भाग के।
तो इससे क्या हुआ, ये जो इम्प्रॉपर था ये प्रॉपर में बदल गया। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर जो है ना इसके टुकड़े करेंगे, इसकी आंशिक भिन्न बनाएंगे, इसको दो छोटी भिन्नों में बदलेंगे और उसे ही हम क्या कहते हैं, आंशिक भिन्नों में बदलना। तो हम इसको इसको मानेंगे खाली किसके बराबर, ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अप, ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस दो कहाँ से आया, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके हमको गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड नहीं हो रहे हैं सवाल में तो पहले गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड अगर लीनियर होते हैं मतलब एक डिग्री के होते हैं और रिपीटेड या अनरिपीटेड जैसे भी हैं उसी हिसाब से कॉन्स्टेंट लगेंगे। तो यहाँ देखिए रिपीट नहीं हो रहा है गुणनखंड, एक गुणनखंड एक ही बार आ रहा है, तो ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स माइनस दो। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो आपके पास इतना बच जाता है एक्स प्लस दो बराबर ए इंटू एक्स माइनस दो बी इंटू एक्स प्लस वन। ये एलसीएम का प्रोसेस है, मैंने पहले आपको बता दिया था। अब इसमें आप हम सीधे निकाल रहे हैं, इसमें एक्स बराबर माइनस वन रखो ये ख़त्म हो जाएगा, एक्स बराबर दो रखो ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों तरफ इसमें ये हमारी इंपॉर्टेंट रिलेशन आके रह जाता है, इसी से ए और बी की वैल्यू निकलती है। इसमें एक्स बराबर दो रखा, दो क्यों रखा, जिससे ये जीरो हो जाए, तो दो ए पूरा जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई तीन, यहाँ से आ गया चार, तो बी बराबर चार बटा तीन। अब इसमें हम एक्स बराबर माइनस वन रख दें जिससे ये जीरो हो जाए, तो एक्स बराबर माइनस वन रखा तो ये जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स बराबर माइनस वन रखा तो ये आपका ए बराबर आ गया माइनस वन बाय थ्री, यानी कि x प्लस दो अपॉन x प्लस वन, एक्स माइनस दो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, a का मतलब माइनस वन बाई थ्री और b का मतलब चार बटा तीन। ठीक है, तो अब फाइनली लेकिन हमको करने किसके थे, हमको करने थे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस दो को आंशिक भिन्नों में बदलना था। तो पहले तो हमने इसको लिखा वन प्लस एक्स प्लस दो अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस दो। ठीक है, और फिर x प्लस दो अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस दो की जगह हमने लिखा चार बटा तीन एक्स माइनस दो माइनस एक बटा तीन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये वन तो हम पहले ही कर चुके थे तो ये हमारा आंसर हो गया। तो परिमेय बीजीय फलनों में अगर डिनोमिनेटर के अलग अलग लीनियर गुणनखंड हो जाएं, लीनियर मतलब एक डिग्री के गुणनखंड हो जाएं और वो डिफरेंट हों दो या तीन जितने भी हों, तो उनको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना अब हमने सीख लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसमें यह है कि फ्रैक्शन अगर हमारा प्रॉपर नहीं है तो पहले उसे प्रॉपर बनाना है, फिर डिनोमिनेटर के गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड अगर लीनियर और अलग अलग हो जाते हैं तो ये हमारा प्रोसेस है। तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी के अगले टाइम।